नागपुर नगर निगम महिला एवं बाल कल्याण विशेष समिति के तहत महिला स्व सहायता समूह विकलांग और जरूरतमंद महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। संबंध में महिला एवं बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष दिव्या धुर्डे ने जायजा लिया। दिव्या धुर्डे की अध्यक्षता में महिला एवं बाल कल्याण समिति के कक्ष में सोमवार को सामाजिक विकास विभाग की बैठक हुई। अब तक सामाजिक विकास विभाग को फूड स्टॉल केटरिंग के लिए 5 जोन से प्रस्ताव मिल चुके हैं। इनमें धर्मपेट जोन, हनुमान नगर जोन, धनतुली जोन, नेहरू नगर जोन और लकड़ागंज जोन शामिल है। साथ ही पीकोफॉल कचबटन सिलाई मशीन वितरण योजना के तहत प्रथम चरण में 213 हितग्राहियों को पत्र भेजे जा चुके हैं। साथ ही शुक्रवार को 9 महिला लाभार्थियों का भुगतान प्राप्त हो गया है। दूसरे चरण की 30 महिला लाभार्थियों की सूची अनुमोदन के लिए भेजी गई है। सामाजिक विकास अधिकारी दिनकर उमरेडकर ने बताया कि कुल 243 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। वित्तीय सहायता योजना के तहत महापौर द्वारा 50 विकलांग हितग्राहियों को चेक वितरित किए गए। साथ ही अगले सप्ताह 25 लाभार्थियों और फिर 25 अन्य विकलांग लाभार्थियों को वित्तीय सहायता योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा 50,000 रुपए के चेक। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।